यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योग समिति फरीदाबाद की ओर से चल रहे योग शिविर के 17वें दिन समापन के मौके पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर एनआईटी फरीदाबाद पहुंचे और योग शिविर में शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने मंत्री की मौजूदगी में योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज योग के माध्यम से क्रांति आई है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, इसके बिना पैसे की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति भी धर्म से जुड़ी हुई है और अगर धर्म शुद्ध होगा तो राजनीति भी शुद्ध होगी। बीजेपी के 4 साल के शासन में धर्म और राजनीति दोनों मजबूत हुए हैं। योग के माध्यम से शरीर का स्वस्थ होना ये एक संदेश जाता है और आज योग पूरे संसार के अंदर स्थान ले चुका है, जिसमें स्वामी रामदेव के आशीर्वाद से और आज देश के प्रधानमंत्री ने उनके 21 जून को पूरे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सोचता हूँ इससे जीवन के अंदर धन कितना भी हो परंतु शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इससे बड़ी कोई पूंजी हो नहीं सकती। योग हमें अपने जीवन को बहुत बड़ा सोच ठीक रखता है, उससे मानसिकता भी ठीक रहती है और समाज के प्रति निष्ठा और सही सोच में काम करने का मन करता है।